सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आरंभ हो और अंत ना हो, मन इतना भी स्वतंत्र ना हो, व्यवस्थित हो और शब्द ना हो, मन इतना भी परतंत्र ना हो। धैर्य से अधिक प्रभावशाली कोई प्राश्चित नहीं है, प्रसन्नचित रहने के समान कोई सुख नहीं है, प्रबल काम वासना से अधिक कोई रोग नहीं है, विनम्रता से अधिक मूल्यवान कोई गुण नहीं है, भूमि से श्रेष्ठ माता है, बलवान की ओर पहला कदम जागरूकता है और दूसरा कदम स्वीकृति है। आज का पंचांग 23 फरवरी 2022 दिन बुधवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 4:56 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 2:40 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:40 से 2:06 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 8:56 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। धनु राशि 23 फरवरी 2022 दिन बुधवार, आज बोलने में सावधानी रखें। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वो आपकी गुप्त बात को उजागर कर सकता है। बोलने से पहले सोचने, अपनी बातचीत का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। किसी तीसरे के बारे में बात करने से बचें। किसी दूसरे शहर की यात्रा और इसके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना है, पुराने पलों को याद करेंगे। काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। आज अब कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप अपने लक्ष्य को भी हासिल करने में कामयाब रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जिस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हैं उसी लक्ष्य पर टिके रहना आपके लिए जरूरी होगा। बार बार अपने लक्ष्य में बदलाव करने की वजह से प्रयत्न ठीक से नहीं कर पाएंगे। काम में सतर्कता रखें, किसी न किसी तकलीफ से सामना हो सकता है। युवाओं के लिए दिन लाभदायक साबित होगा। पार्टनर की सेहत से संबंधित चिंता अधिक रह सकती है। बच्चों की इम्यूनिटी बरकरार रखने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सावधानियां, मेहमानों का आगमन थकान भरा रहेगा और व्यवस्था की वजह से आपकी व्यक्तिगत कार्य अधूरे भी रह सकते हैं। किसी प्रियजन से तनाव की स्थिति भी बन सकती है, इसीलिए धैर्य से काम लें। इस समय कोई भी काम को स्वयं पूरा करने की कोशिश करें। दूसरों पर भरोसा रखना नुकसान दे सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यक्तिगत संबंधों में प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी तथा एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आज के दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज के दिन नए सिरे से अपनी प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरे और आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसे आपका आंकड़ा 21-36 का रहा है और ये समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। बात करते हैं करियर की। अगर आप अपने कार्यस्थल या अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए किसी पारंगत व्यक्ति या अपने निकट जानने वाले व्यक्ति से परामर्श लेते हैं तो ये सुझाव आपको काफी लाभ दे सकता है। आज के दिन इंजीनियरों और कंप्यूटर में प्रवीण व्यक्तियों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको दूसरी नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है या उसी नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत भी आपको मिल सकते हैं। बात करते हैं सेहत की।
आज के दिन आपकी जीवन शैली में कुछ अपेक्षित बदलाव करने के लिए एकदम उपयुक्त है। आप ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे या ऐसे किसी स्थिति के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी भोजन संबंधित आदतों में बदलाव करना होगा। आपको स्वास्थ्यकर भोजन के बारे में कुछ बहुत अच्छी सलाह भी मिलेगी। आज का उपाय, आज अब गरीबों को रोटी खिलाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।